इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ट्रेवर की री एंट्री के बारे में और मिशन मिस्टर फिलिप्स के बारे में। ट्रेवर के कुछ पैसे किसी ने उधार ले रखे थे, वो बंदा मिलने से ही मना कर रहा था, तो ट्रेवर ने उसके बंदों को कुछ जल्द कर दिया स्टार्ट और उसका पता लगाना स्टार्ट कर दिया कि वो पता है कहाँ पे। उसके मोहल्ले में गया तो अगर लोगों ने लाइक गोलियां चलानी स्टार्ट कर दी, तो ट्रेवर ने दिया है उनको मुंह तोड़ जवाब और भाई बाढ़ तोड़ जवाब भी दिया है। भाई बंदा मिल गया है तो उसकी लोकेशन पर जाकर ट्रेवर ने कर दिया उसको नहस नहस। तो कहने अगर वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ चैनल को कर देना सब्सक्राइब और वीडियो को कर देना लाइक। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं मेन वीडियो, सो प्लीज़ आगे तक बने रहिएगा और वीडियो देखिएगा पूरी। थैंक यू। सो हेलो एंड वेलकम गाइस, आज हम फिर से खेलने जा रहे हैं GTA 5। तो भाई ये बंदा है ट्रेवर और ये है इसका डेब्यू मिशन। अगर आप में से किसी को भी याद है जिसने मेरी पहली वीडियो देखी थी, तो भाई इस बंदे ने माइकल और लेस्टर के साथ मिलकर एक बैंक रॉबरी की थी स्टार्टिंग में, जो हमारा मिशन 1 था। और भाई उसके बाद अकॉर्डिंग टू पुलिस माइकल और लेस्टर मर गए थे, इसीलिए वो लोग सिटी एरिया में रह पा रहे हैं अपन। पर ये बंदा वहाँ से पुलिस को चकमा दे के एक हॉस्टेज को पकड़ कर भाग निकला था, और अकॉर्डिंग टू पुलिस ये आज भी जिंदा है और इसकी तलाश चल रही है। इसीलिए ये किसी सिटी एरिया में नहीं रहता, ये रहता है आउटस्कर्ट एरिया में। लेकिन भाई आपको पता है चोर चोरी से जाता है लेकिन सीधा चोरी से नहीं जाता। तो ये बंदा यहाँ पर भी गैंगस्टर ही है, और इसने किसी को पैसे थोड़े से उधार दिए थे जिसका ब्याज बन बन के वो 5 गुना हो गया है, क्योंकि इसका ब्याज भी 25% पर मंथ चलता है। तो भाई उसको वसूल करने के लिए अभी जा रहा है, क्योंकि उस बंदे ने तो भूल दिया भाई मेरे पास इतने पैसे हैं नहीं, अगर हो सब तो चाहता है तो मैं तेरे को सिर्फ उतना अमाउंट दे सकता हूँ जितना तूने मेरे को वापस दिया था। भाई ये बंदा उस चीज़ को मानता नहीं है और ये ऐसे किसी भी रूल रेगुलेशन को फॉलो करता नहीं है। तो भाई वहाँ पहुँचने के बाद उसकी कुछ गैंग के लोग उसे मिल जाते हैं, वो मेन बंदा तो नहीं मिलता। ये उनको बोलता भाई तुम या तो मेरे पैसे दो वरना बैठ जाओ इधर आके। पर वो बंदा बोलता भाई तू तमीज से बात कर, ऐसे नहीं बोल सकता। वो कहता जूता जाट और फिर बात करें इधर से, तुम जैसे की बात है मैं सुनता नहीं, जूते के नीचे रखता हूँ तुम लोगों को बात। तो भाई सारी चीज़ें बोलते हुए बोलता है ये नीचे मिट्टी लगी है ना जूते की, अगर इसको तुम लोग चाट लोगे तो भी तुमसे रंग से बात नहीं करूँगा। भाई लेस्टर जो है, जो ट्रेवर जो है, ये बहुत ही बदतमीज टाइप का इंसान है। बाकी गैंग मेम्बर्स को उसकी बात पसंद नहीं आई, वो लोग निकल गए। भाई ट्रेवर कहता है अपने दोनों बंदों से गाड़ी में बैठो और इन बंदों को ना रास्ते में निपटाना है। ये बंदे पहुँचने नीचे अपनी लोकेशन था, क्योंकि बाइक वाला जो था ना उसने जाते जाते ड्राइवर को गाली दे दी है। और भाई गाली को ड्राइवर लेता है बहुत ज़्यादा सीरियस। उसने कहा है कि वैन तो चले निकल जाएगी पर बाइक वाले मेरे को रास्ते में लिटाने हैं वापस। इनको पता चलना चाहिए इन्होंने बात की किससे और किससे कैसे और कितनी तमीज से बात करनी चाहिए। तो भाई गाड़ी हमारी एक टायर पे, दो टायर पे ऐसे चल रही है और हम स्पीड के वो ध्यान नहीं दे रहे, लेकिन हमें सिर्फ एक ध्यान है बंदे माने। और एक पहला बंदा विद बाइक लेट चुका है ज़मीन पर। और भाई अभी भी ट्रैवर नहीं हुआ है शान। ट्रैवर कह रहा मेरे को दूसरा बाइकर भी चाहिए, बिकॉज मुझे नहीं याद कि कौन से बाइकर ने गाली दी थी। तो भाई दूसरा बाइकर भी गया, बिल्कुल गया है स्पीड ब्रेकर के पीछे, सॉरी डिवाइडर के पीछे। भाई अब बची है सिर्फ वैन। ड्राइवर कहता अगर हो सके तो उस वैन को भी रास्ते में गिरा दो, पर भाई वैन इतना इजी ऊंडा होता नहीं है, जो टू व्हीलर को टक्कर मारोगे वो बिगड़ सकती है, वैन नहीं बिगड़ती है। तो भाई फिलहाल वैन का पीछा करते करते हम उस लोकेशन पर जाने वाले हैं जहाँ पर शायद हमें वो बंदा मिल जाएगा जिसने पैसे उधार लिए थे, पर वो देने से कर रहा है मना अभी। तो भाई ड्राइवर का सिर्फ एक ही रूल है, या तो दिए हुए पैसे वापस या फिर बंदे की जान, दोनों में से एक चीज़ तो वो ज़रूर लेगा। तो भाई ट्रैवर इतनी गंदी तरीके से गाड़ी चला रहा था, पीछे बंदा बैठा था ना वो पलट के गिर गया, और ट्रैवर उसे कहता भाई अगली बार अगर तुम गिराना तो मेक श्योर तुम भर जाए, तो दोबारा उठाने के लिए रुकूंगा नहीं। ट्रैवर है बहुत ही ज़्यादा अड़ियल और ढीठ किस्म का इंसान। और उसी चीज़ को फॉलो करते करते हम लोग जा रहे हैं उस गाड़ी के पीछे, और वो गाड़ी वाला भी बाइक भगाया जा रहा हैवी ड्राइवर है मतलब वो भी। तो उस हैवी ड्राइवर के पीछे पहुँचते पहुँचते भाई हम उस लोकेशन पर पहुँच गए हैं जो उन लोगों की कॉलोनी है। और भाई ये सारे इतना मिलजुल के रहते हैं कि अगर किसी एक को गाली पड़ी ना तो बाकी सारे बंदूकें निकाल लेते हैं। तो भाई ये चीज़ ड्राइवर को कुछ फ़र्क पड़ता नहीं है, उस ड्राइवर तो भाई एक एक करके सबको मार देगा, उसको जितने कत्ल करने पड़े वो कर देगा, लेकिन वो अपना 25% पर मंथ वाला लेके जाएगा। तो भाई जितने बंदे उसके सामने आते जा रहे हैं, जितने बंदे उसको लगता है उस पर अटैक करेंगे, वो सब पे गोलियां चला रहा और सबको मार रहा, एक एक करके बस घमासान मचाया जा रहा है। भाई जितने बंदे हो सकता है उतने बंदे मार देगा। यहाँ पर पुलिस की गन प्रैक्टिस चल रही है कि गोलियाँ कैसे चलानी है। भाई दूर दूर के बंदे पिस्टल से मारे जा रहा है, वो बंदा गिर गया था उठा, उठते फिर मार दिया। इसका कहना भाई गोली अगर वेस्ट हुई है एक तो फिर उसे ढंग से मारो फिर। तो भाई बंदे ढूंढ ढूंढ के सिटी के अंदर ये मार रहा है, एक भी बंदा इसने ना छोड़ने की कसम सिखा ली है।
भाई गाड़ी के पीछे से बंदे मार रहा, और ये बंदा बगल में खड़ा गोली मार रहा भाई, इसको निपटा भाई पहले, इधर 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 बात बन मार, मारी तीन गोलियां भाई, भाई शॉर्ट गन की बारी, और शॉर्ट गन जैसे ही मारी बंदा बिखर जाता है भाई, ये बंदा भाई बंदा पूरे लकड़ी के बाड़ा तोड़ के दूर जाके गिरा भाई, ये बंदा भी गायब, एक ही गोली में गिर जाता भाई, शॉर्ट गन का शॉट बहुत ही तगड़ा है भाई, ड्रैगन हमारा जो वो बहुत ही ज़्यादा अडियल और ज़िद्दी किस्म का इंसान है, उसने सोच नहीं है कि भाई डबल इनकम लेके जानी है, मतलब जानी है, छतों के ऊपर बंदे मार दिए भाई, चौ बंदा जा चुका हुआ भाई, चाके मारा इसने, और ये जंप लगाया चीट कोड वाला भाई, ये जंप का बंद करो यार, ये रियलिस्टिक नहीं लगता बिल्कुल भी, नए एफर्ट्स नज़र आते हैं इसमें भाई, बंदे दूर होते हैं फिर भी शॉर्ट गन से दूर जाकर गिरते हैं यार, शॉर्ट गन के शॉट बहुत ही तगड़े हैं भाई, इधर भी कोई बंदा है शायद जो छुपा हुआ है, ये इस घर के पीछे, इस घर के पीछे, ये रहा ये रहा ये रहा ये रहा भाई, झाड़ी के पीछे ही निपटा दिया दो गोलियों में, उसके बाद इधर ही बंदे छुपे हुए हैं, छुपे हुए बंदों को एक एक करके ढूंढ ढूंढ के मार रहा है भाई, ये है वो बंदा जो वैन चला के आया था भाई, वैन चला के आने वाले बंदों को तो बिल्कुल नहीं छोड़ेगा, क्योंकि ये बच कैसे गया था, अगर ये रास्ते में मर जाता तो शायद इस पर रहम खा सकता था ड्राइवर, अगर बच गया तो नहीं, मैंने इसको बोला एक काम कर, उनकी बाइक उठा के ला, तेरे को इसमें तो लेके जाऊँगा नहीं, तो गिर जाता है बार बार, तेरे को रोकने के लिए टाइम बड़ा वेस्ट होता है भाई, फिलहाल ड्राइवर जो है इसको यहाँ पर संतुष्टि मिल गई है पूरा गाँव ख़त्म करके, लेकिन अब ये कह रहा है भाई मेरे को अभी तक वो बंदा नहीं मिला जिसने पैसे उधार लिए थे, तभी यहाँ से ना एक घर में से एक लेडी निकलती है, लेडीज़ पे ये ड्राइवर हाथ उठाता नहीं है, असूलों वाला बंदा है, तो वो लेडी बताती है कि वो बंदा आपको मिलेगा जंगल साइड में, वहाँ पर उसने अपना एक ट्री हाउस बनाया हुआ है भाई, वहाँ पर जाकर उससे पकड़ो, तो उसकी बात मानकर हम लोग ट्री हाउस वाले रास्ते पर निकल गए हैं, और ट्री हाउस वाले रास्ते पर जाकर हम लोग देखते हैं कि भाई बंदा मिलता कहाँ है भाई, एरिया बहुत ही सुंदर है, और भाई यहाँ पर आकर उसने बना रखा अपना आशियाना, उस आशियाने का ठिकाना बदलना है मुझे भाई, गाड़ी की गति है मैंने फुल स्पीड, और वो बिल्कुल सामने ही, और रहम की भीख मांग रहा है, लेकिन रहम करने का कोई इरादा है नहीं मेरा, और भाई टक्कर मार के उसका पूरा ट्री हाउस है उसको मैंने नीचे नहर की तरफ मोड़ दिया है भाई, पानी की नहर रोक कूद दिया है, फिलहाल मैं सोच रहा हूँ उसको थोड़ा सा डरा धमका के छोड़ देता हूँ, पर वो मान नहीं रहा, तो मैं मुझे कुछ हवाई फायर ज़रूर करने पड़ेंगे, वरना अगर बंदा मर गया ना तो फिर पैसे कौन देगा मेरे, फिर को पैसे बहुत ज़रूरी है, ड्राइवर पैसों के लिए कुछ भी कर सकता है, उसका ऑलरेडी गंदा पैसा है पिछली लूट का, पर उतना आज तक खर्च यानी सिर्फ रेंट पे देता है वो, मतलब ब्याज पे देता है, ब्याज आता है भाई, बंदा घुटने टेक के बैठ चुका, लेकिन उसको फिर भी डराना ज़रूरी है कि अगर ये एक भी गोली तेरे को लग गई ना तो फिर तू क्या करेगा उन उधार के पैसों का, जितने देर पास है वो दे दे, जितने नहीं है वो अरेंज करके दे दे यार, ऐसे थोड़ी होता है कि देख तू ये सारी चीज़ें करेगा और फिर वो छोड़ दूंगा, नहीं, तो भाई मैंने 17-18 गोलियाँ उस पर कर दी है वेस्ट, और अब मैं उसको डायरेक्ट धमकाने के मूड में हूँ नहीं, अब मैं माहौल लात साड़ेंगे, तो भाई एक ही लात में वो हो गया है बेहोश, पर उसको समझ में आ गया है कि अगली बार जब मैं आऊँगा तो पैसे लेने आऊँगा और कोई रहम नहीं होगा टाइम पर, तो भाई फिलहाल लोग गाड़ी में बैठ के जा रहे हैं घर, भाई ये ली मैंने बैग, भाई ड्राइवर की जो गाड़ी है ना है बहुत पुरानी लड्ढा बिल्कुल, लेकिन स्पीड बहुत तगड़ी है और बहुत ज़्यादा है इसमें, फिर फिलहाल इस गाड़ी को लेकर हम लोग जा रहे हैं ड्राइवर के घर पर, और भाई ये जो लोकेशन है ड्राइवर की रस्मी डेजर्टेड एरिया है, डेजर्टेड एरिया से जैसे आप बाहर आते हो बिल्कुल ब्लैक कलर का रोड है, बहुत ही एक्सट्रीम ग्राफिक्स के साथ अच्छा लग रहा है, इंटरेस्ट मिल है, बहुत ही मज़ा आने वाला है इस लोकेशन पे, बस हम ट्राई करेंगे कोई भी मिशन तो लाइट लाइट में ना करें, बिकॉज वो फिर देखने में आप लोगों को अच्छा नहीं लगता, खेलने में भी अच्छा नहीं लगता वैसे, पर आप लोगों को देखने में अच्छा नहीं लगेगा, मैं इतना सोच समझ के अगर मैं वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए, तो आप लोगों का भी फ़र्ज़ बनता है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो चैनल को, लाइक कर दो वीडियो को, और कमेंट करके बता दो कि वीडियो कैसी लगी, सिर्फ इतने तीन छोटे छोटे से काम मैं आप लोगों को बताता हूँ, और ये काम नहीं है, रिक्वेस्ट है, प्लीज़ कर दिया करो बिना बोले, आपका भी फ़ायदा, आपका तो घर क्या ही फ़ायदा, मेरा ही मेरा फ़ायदा है, हाँ मैं हूँ स्वार्थी इंसान, कर दो मेरा फ़ायदा, सो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, और कमेंट करके बताना कि भाई लगी कैसी, भाई ड्राइवर पहुँच गया अपने घर पे और बहुत ही गंदा इंसान है, सदियों से नहाया नहीं, आज सोच रहा है कि नहा के चेंज कर लूँ, तो भाई वो गया नहाने और भाई पानी पहली बार उसके शरीर पे गिरा तो उसकी हालत थी कुछ ऐसी,
सामने रह गया था बेचारा, तो उसका नहा धो के उसका हो गया मिशन कंप्लीट। मिलते हैं आप सबको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।